तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देते, हमने तो 17 महीना बनाम 17 साल दिखा रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव जी को एक इतिहास में याद दिलाना चाहता हूँ। सन 1991 यानी पीवी नरसिंहा राव जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और LPG आया था। 1990 में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। LPG जब भारत में आया तो विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, सरकार की नियमे जो है कुछ मतलब कि लिबरल हुई, उसी में होंडा आया, यामाहा आया, सुजुकी आया और भी बहुत सारी कंपनियां आया उसी दौरान। ठीक है, जब मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो एक मीटिंग हुआ पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का 1991 में। तो उस मीटिंग में पूछा गया कि हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। क्या चाहिए? स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। तो नरसिंहा राव जी ने बोला कि कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर देंगे। तो उस समय साउथ के राज्य के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया और भी और सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया कि हम स्किल्ड वर्कर देंगे। स्किल्ड वर्कर का मतलब है पढ़ा लिखा, जिसको किसी चीज का प्रॉपर ज्ञान हो। जैसे अगर राजमिस्त्री है तो वो स्किल्ड हो गया, और वही लेबर जो उठा के सीमेंट उमेंट उठा के दे रहा है तो अनस्किल्ड हो गया। वैसे ही कंपनियों में भी होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये तो हो गया कि स्किल्ड वर्कर कौन सबसे ज्यादा देगा, 1991 की बात है। जब बात हुआ कि अनस्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा कौन देगा, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है ये खबर, तो लालू जी हाथ उठाए कि सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर कौन देगा, बिहार। लालू जी हाथ उठाए। तो लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1990 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो लालू जी से पूछा गया कि आप अनस्किल्ड वर्कर कैसे दीजिएगा, लेबर कैसे दीजिएगा, मजदूर कैसे दीजिएगा। तो लालू जी ने एक बात बोला, उस बात को जो है आज बिहार के सभी लोगों को सुनने की जरूरत है। लालू जी ने बोला कि हम यादव जाति के हैं और हमारा जात सबसे ज्यादा बलिष्ठ होता है, देश हाथ से सबसे ज्यादा मजबूत होता है और हमारे एक इशारे पे वो लोग कुछ भी करेंगे। तो अगर मैं कहूंगा कि फैक्ट्रियों में जाइए मजदूरी कीजिए तो वो मजदूरी करेंगे। और आज वही दिन है कि 1990 से पहले बिहार का मजदूर बिहार से बाहर कमाने नहीं जाता था, उसके बाद से पलायन शुरू हुआ। अब जाके पता कीजिएगा किसी भी बड़ा नेता से, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में जगदानंद सिंह जी है ना, पुराने नेता है, और कौन सिद्दीकी जी पुराने नेता है। पूछिएगा उन लोगों से कि मनीषवा ये बात गलत बोला है कि सही बोला, पूछिएगा। और उस वजह से आज बिहार में अगर जात वाइज देखा जाए ना, जातीय जनगणना तो बिहार में हो चुका है तो जात पे तो हम बात कर ही सकते हैं, जात वाइज देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा मजदूरी का काम जो है यादव लोग करते हैं और बिहार से बाहर जाके करते हैं। अगर उस समय लालू जी कहे होते कि हम स्किल्ड वर्कर देते तो शायद आज बिहार के 50% यादव जी लोगों के घरों के सामने जो है ना, चार गो भैंस के साथ साथ जो है ना, एक BMW, एक ऑडी, एक फॉर्चूनर गाड़ी लगी हुई होती और उनके बच्चों के हाथ में iPhone रहता और वो आज जो है बिहार में सबसे समृद्ध जात होता। तो अगर जाति की बात कर रहे हैं तो ये, अगर बिहार बर्बाद हुआ, मजदूरी करने गए बिहार के बच्चे 1991 की वो जो बात है और उसका असर हुआ बिहार में, तो आज जो है 100 में से 14 यादव जी के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 2 भूमिहार के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 3 ब्राह्मण के बच्चे मजदूर बने, 100 में से 4 राजपूत के बच्चे मजदूर बने। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा यादव जी के बच्चे मजदूर बने, ये बात सत्य है। और उनको मजदूरी और मजबूरी के रास्ते पे ढकेलने वाले कोई और नहीं, जो MY समीकरण जो है ना की बात करने वाले लालू जी, उन्होंने ही ढकेला। और उन्हीं के पुत्र जो है आज तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। कितना लाख लोगों को रोजगार देते हैं? 10 लाख लोगों को। अब फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं, नौकरी देते, रोजगार नहीं, नौकरी देते 10 लाख लोगों को। अभी बिहार में कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा तब जाके बिहार का पलायन रुक पाएगा और कुछ हो पाएगा। 2 करोड़ में ये 10 लाख का वादा कर रहे हैं, कितना? 2 करोड़ में 10 लाख का। चलिए 10 लाख देते, ये रोजगार दे ही देते तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद सैलरी कहां से देते? अगर बिहार सरकार के पास सैलरी नहीं होता तो वही स्थिति हो जाता। लालू जी के समय में क्या हुआ था कि टीचर लोग तो रोजगार मिल गया लेकिन सैलरी एक एक साल नहीं मिल पाता था।
तो आज अगर बिहार को मजबूत करना है तो फैक्ट्स पे बात करना होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके आना होगा। और यादव जी लोगों के पास अगर 5 गो 7 गो 10 गो अगर भैंस है तो उन लोगों को इस हिसाब से काबिल बनाना होगा कि वो डेयरी फार्म खोल ले, और वो अपने डेयरी फार्म के सामने अगर 10 गो भैंस रखे तो 2 गो ये BMW और फॉर्चूनर गाड़ी भी रखे, उस हिसाब से जो है सक्षम करना पड़ेगा। और यही चीजें मैं जगा रहा हूँ, तो उन लोगों को लग रहा है कि मनीषवा अगर यादव जी लोगों को जगा दिया तो वो तो हमारे से सरक जाएंगे। ये चीज है। और वो तेजस्वी जी क्या कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, क्या चीज की पार्टी है? गरीबों की पार्टी। भाई उन्होंने मंच से बोला है ये बात, गरीबों की मसीहा की पार्टी है। सुने क्या बोलते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है। उनके पिताजी और माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और तब वो बोल रहे हैं गरीबों की पार्टी है। यानी साफ साफ गरीबों को कह रहे हैं कि तुम गरीब बने रहो, हम तुम्हारा पार्टी बने रहेंगे। तुम जब तक गरीब रहोगे तब तक हम तुम्हारा नेता रहेंगे, जब तक तुम गरीब रहोगे तब तक जो है हम राज करेंगे। तो ये नहीं चलेगा तेजस्वी जी, ये बात कहे, ये बात कभी मत कहे कि हम गरीबों की पार्टी है। ये बात कहे कि हम गरीबों को जो है अमीर बनाएंगे, हम गरीबों को जो है आगे लेके आएंगे। ये काहे कह रहे हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, काहे कह रहे हैं? काहे कि वो साफ साफ टनाटन अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि ससुरा तुम लोग गरीब बने रहो और हम तुम्हारा नेता बने रहेंगे, तुम जो है भैंस गाय चलाते रहो और हम और BMW और फॉर्चूनर से घूमते रहेंगे, हम घूमेंगे, हमारे बच्चे घूमेंगे। हम ये बात नहीं कहेंगे, हम ये बात कहेंगे कि अगर हमारे साथ अगर आप हैं तो हम आपको उस काबिल बनाएंगे कि आपके दरवाजे पे जो है एक 4-व्हीलर तो जरूर हो, और आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि हम PMCH में जाए कि कहां जाए। जैसे लालू जी सिंगापुर चले गए ना अपना इलाज कराने, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय बिहार के, वैसे आपका भी बच्चा का अगर अर्जेंट हो तो एयर एम्बुलेंस से जो है दिल्ली एम्स में जाए, और विदेश में भी इलाज कराने की जरूरत पड़े ना तो आपके पॉकेट में उतना पैसा हो कि आप अपने माता पिता का, बच्चों का और बीवी का इलाज जो है दुनिया के किसी भी कोने में करा के उसका जान बचा सके। अच्छा एक और लोगों का सवाल है कि मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर निकले 2-3 दिन तक बहुत अच्छा काम किए, उसके बाद भाजपा का कहीं ना कहीं प्रचारक बन गए, क्या बात करते हैं? कौन से लोगों का सवाल चल रहा है? लोगों का तो और ही सवाल है, नेक्स्ट CM मनीष कश्यप, चुनाव लड़िए मनीष भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनीष। नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा का सुन यार, लेट मी फिनिश ओके प्लीज। लोग तो ये भी कह रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ काहे नहीं पूछ रहे, लोग ये कह रहे हैं 100 गो, चलिए सुनिए आप अपना फेसबुक खोलिए, वीडियो देखिए, 100 गो में से 10 गो निगेटिव कमेंट आ रहा है, तो निगेटिव पे ध्यान है, और 100 गो में 90 गो पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, उस पे ध्यान नहीं 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 है। पूरी बात सुनिए, लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा का ना अगर अपना पार्टी बनाते, हमारा औकात नहीं है भाई, और आज नहीं तो 20 साल के बाद आते। सुनिए, हम लालू जी के बेटा नहीं है कि विरासत में जो है हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाएगा और गाड़ी में बैठ के कहेंगे कि 2-4 गो पे चढ़ा देना, है ना? हुआ है ना वायरल में, हुआ है ना 2 दिन पहले, हुआ है ना? अब जैसा वीडियो देखे हैं वैसा वीडियो के हिसाब से कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि उनके गाड़ी के सामने कौन होगा, उन्हीं के लोग होंगे ना, है ना? जैसा वीडियो वायरल हो रहा है भाई, सूत्रों के हवाले से हमको नहीं पता है, जैसा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे देखे हैं तो बोले कि चढ़ा दे, उसके बावजूद लोग जुड़े हुए है ना, हम तो हुए नहीं, तो हम अपना लिमिटेशंस को नहीं भूल सकते। हमसे जितना होगा उतना हम करेंगे, हमारे जितना औकात है उतना हम करेंगे, हम संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और बड़ा लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी के पिताजी का नाम क्या है? लालू प्रसाद यादव। अखिलेश यादव जी के पिताजी का नाम क्या है? मुलायम यादव। तेजस्वी यादव जी क्या थे? डिप्टी CM थे। अखिलेश यादव जी क्या थे? CM रहे हैं। इन दोनों के पिताजी का नाम पता है आपको, है ना? मोहन यादव के पिताजी का नाम क्या है? नहीं पता है। मोहन यादव कौन है? नहीं पता है। नहीं पता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल अभी हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उनके पिताजी का नाम क्या है? नहीं पता है, क्योंकि मोहन यादव ने अपना राजनीति करियर, अपना कुर्सी और अपना सब कुछ जो है ना अपने काबिलियत पे पाया है, विरासत में उनके बाबूजी जो है ना उनको अपने कुर्सी पे नहीं बैठा है, इसलिए उनके बाबूजी का नाम आप नहीं जानते हैं। तो आप अपने काबिलियत पे जो है ना आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके बाबूजी के नाम से नहीं जानेंगे। आज भी तेजस्वी यादव इसलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव थे, आज भी अखिलेश यादव इसलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी जो है मुलायम सिंह यादव थे, और ऐसे अनेकों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग, मेरे भी जाति में बहुत सारे नेता हैं
क्योंकि उनके पिताजी जो है मेरे भी जाति में बहुत सारे नेता हैं और हर एक पार्टी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में है, बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जो इसलिए जाने जाते हैं कि उनके बाबूजी जो है बड़े मंत्री बड़े नेता रहे हैं, ये सच्चाई है। तो जो भी बाबूजी के नाम पे राजनीति करेगा तो जाना भी जाएगा बापे के नाम से। अपने दम पे जो है अपना इतिहास बनाओ, अपने दम पे अपना विरासत बनाओ। आज आप मेरे पिताजी का नाम नहीं जानते होंगे लेकिन मेरा तो नाम जानते हैं ना, कहे कि हमने जो भी पाया है ना अपने दम पे पाया है, हम अपने बाबूजी के दम पे हम नहीं पाए हैं। ये चीज एक सेकंड साफ साफ क्लियर कीजिए, चुनाव लड़ेंगे मनीष? एकदम साफ साफ क्लियर है। कहां से लड़ेंगे? चंपारण से लड़ेंगे। एकदम क्लियर है, एकदम लड़ेंगे। पार्टी बेस पे लड़ेंगे या मेरे साथ पॉलिटिकल अत्याचार हुआ है? पॉलिटिकल अत्याचार। तेजस्वी यादव जी मंच से कह रहे हैं ये बात, आज का भाषण आप सुनिए उनका, मंच से कह रहे हैं कि पुलिस जो है हमारे समर्थकों को रोक ली, प्रशासन ने हमारे समर्थकों को रोक लिया, गांधी मैदान तक नहीं आने दिया। जब इस देश इस बिहार का डिप्टी सीएम ये बात मंच से कह रहा है, पूर्व डिप्टी सीएम मंच से कह रहा है, उस मंच पे राहुल गांधी है, उस मंच पे जो है दो को पूर्व मुख्यमंत्री, तीन को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी के माता और पिता सब लोग हैं। उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि प्रशासन जो है हमारे लोगों को आने नहीं दे रहा, यानी तेजस्वी जी के लोगों को प्रशासन तंग कर रहा है। तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे तो उनका प्रशासन ने हमको तंग किया, लेकिन हमने प्रशासन को कभी दोषी नहीं ठहराए। देखिए प्रशासन के लोग, ये नेता कैसे होते हैं कि एक समय ये नचा रहे थे तो आप लोग नाच रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और आज यही प्रशासन के लोगों का धजिया उड़ा रहे हैं और आप लोग उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारा तो बहुत कुछ कर लिए ना आप लोग। वो 160 दिन 180 दिन आपने कहा था। तो मेरे साथ जो भी हुआ है ना, मेरे साथ जो भी ज्यादती हुई है ना, वो पॉलिटिकल ज्यादती हुई है। वो पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे साथ अत्याचार किया है, कोई प्रशासन ने नहीं किया है। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम में मनीष कश्यप घुसेगा जरूर, और आगे बिहार के किसी भी लोगों के साथ अत्याचार ना हो इसका प्रयास जरूर करेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो प्रयास करेगा। पांच काम जो अपने संसदीय क्षेत्र में करेंगे एकदम, हम स्टाम्प पेपर पर लिख के घोषणा करेंगे, वो आइएगा हम आपको दिखाएंगे बताएंगे, एकदम पांच नहीं हम उससे ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है? और घोषणा मतलब स्टाम्प पेपर पे लिख के, स्टाम्प पेपर पे हम एक बार चुनाव लड़े थे 2020 में ना, तो स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा किए थे, पूरा देश में वायरल हुआ था, पूरा देश में। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा करेंगे तो हम ये काम करेंगे, और है हिम्मत तो तेजस्वी यादव जी स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा करें, हिम्मत है तो। हमारा बाबू जी जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमारी माँ जो है मुख्यमंत्री नहीं रही है, तब हम औकात हम बात कर रहे हैं, अपने औकात के अनुसार बात कर रहे हैं कि हम जो भी बोलेंगे स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा करेंगे। है ही मत स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा कर दे, अगर उहे लिख के घोषणा कर देंगे ऐसे ही बिहार बदल जाएगा, ऐसे ही ना बदलना है। आज तेजस्वी यादव जी पता है मंच से क्या बोले हैं? आप लोगों ने सुना है भाषण? नहीं सुना है, हूं मत कहिए, नहीं तो ना कहिए, ठीक है? आपने नहीं सुना? उन्होंने क्या बोला है कि बिहार की जनता जिंदाबाद और जय हिंद बोला है उन्होंने मंच से। ये बतवा तो हम कई दिन से बोल रहे हैं, बिहार की जनता जिंदाबाद और जय हिंद। पहले तो जय हिंद नहीं बोलते थे वो, और बिहार का जनता जिंदाबाद कभी भी आरजेडी के कार्यक्रम में ये बात नहीं होता था। क्या होता था? तेज तेजस्वी जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, राबड़ी जी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, आरजेडी परिवार जिंदाबाद, यही होता था, यही होता था। आप उठा के दिखाइए, उठा के दिखाइए। आज तेजस्वी जी मन से बोले हैं बिहार की जनता जिंदाबाद। हम ये बात जो है बिहार के हर एक नेताओं के मुंह में डाल देंगे, चाहे वो भाजपा के हो, जदयू के हो, कांग्रेस को, आरजेडी के हो, कि तुम्हारा परिवार जिंदाबाद नहीं होगा। अब तुम कहो कि बिहार की जनता जिंदाबाद, और कहना पड़ेगा, और किसी दिन सरस्वती नेताओं के मुंह पे बैठ जाएगी तो सही में बिहार के जनता का जिंदाबाद हो जाएगा। ये लोग खाली कहवाते थे, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख लोगों से कहवाते थे लालू राबड़ी जिंदाबाद, आरजेडी परिवार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यही होता था। आज कम से कम निकला ना, इन्होंने बोला बिहार की जनता जिंदाबाद, रैली में आए हुए लोगों ने भी बोला होगा बिहार की जनता जिंदाबाद, और अगर उसमें से कोई भी एक भी आदमी सच्चा मन से कह दिया होगा बिहार की जनता जिंदाबाद, और उस समय सरस्वती उसके जुबान पे बैठी होगी, तो बिहार का तो ऐसे ही हालात बदल जाएगा। तो आप तो कह रहे 180 और 180 से पहले ही। और सुनिए, बिहार की जनता जिंदाबाद क्यों बोले हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। विधानसभा के पास जब बहुमत
मैं ये लोग फेल हो गए जब मैंने बोला था 180 दिन टेस्ट में, फ्लो टेस्ट में, तो मैं गाड़ी पे बैठ के बोला था बिहार की जनता जिंदाबाद, और मेरे सामने एक नारा लगा रहा था लालू राबड़ी जिंदाबाद, हम बोले कि लालू राबड़ी जिंदाबाद नहीं, बिहार की जनता जिंदाबाद। वो वीडियो खूब वायरल हुआ, जाके देख लीजिएगा गाड़ी पे बैठ के, कि तुम एक आदमी का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो, लालू राबड़ी जिंदाबाद से जो है बिहार की जनता खुश हो जाएगा क्या? नहीं, हम बोले कि बिहार का जनता जिंदाबाद कहो। और वो कार्यकर्ता, अंधभक्त कार्यकर्ता ये बात नहीं समझ पाया, लेकिन तेजस्वी जी कम से कम ये बात समझे ना, मन से कहे ना बिहार का जनता जिंदाबाद, तो हम इस बात के लिए तेजस्वी यादव जी का प्रशंसा करते हैं हर एकदम, कि वो हर एक मन से ये बात कहे बिहार का जनता जिंदाबाद और जय हिंद बोले, किसी अपने माता पिता का जयकारा ना लगवाए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।